गुड इवनिंग सबको, मेरा नमस्कार। हम चिबाई, मैं आज अभी थोड़ी देर पहले सबरूम से आया हूँ और रास्ते में मेरा दो तीन जगह में बात भी हुआ है और मुझे लगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज इतना अच्छा रैली हुआ जहाँ मैं चकमास, मॉक्स, पिपरासास, हिंदू बंगालीज, मुसलमान, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सब धर्म के लोग आए और हमने एक आवाज़ में अपने माइनॉरिटीज़ जो बांग्लादेश में है, हिंदू बंगाली हो, पिपरासा हो, मॉक हो, चाकमा हो, कोई भी हो, गारोज, खासीज, मणिपुरीज, उन सब के लिए एक आवाज़ में हमने सॉलिडारिटी दिखाया और हमने बांग्लादेश को भी क्लियरली बोल दिया है वी विल नॉट टॉलरेट जो आप कर रहे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो आज हमारे रैली में आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुसलमान भाई भी आए और उन्होंने भी एक जवाब दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश में जो हमारे माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उसको अपोज करता है। इसी को कहते हैं एकता, थनसा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। दूसरा बात है, मैं दो तीन चीज़ अपडेट्स करना चाह रहा था। सबसे पहले ZDO और सब ZDO के लिए हमारा कल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुआ, सबसे मुलाकात हुआ और हमने एक चीज़ सोचा है। अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। जो भी कंप्लेंट्स आया है कि हमारा पास मार्क, हम पास हुए थे, हमने क्वालिफाई क्यों नहीं किया, ये सब कंप्लेंट्स आ रहे हैं। लेकिन कहीं में भी रिटन कंप्लेंट नहीं आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या कहीं में इरेगुलरिटीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ लीकेज, इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट और डिसऑनेस्टी। तभी भी मुझे लगता है कि अगर हमें ट्रांसपेरेंट रहना है तो हमें सबको चांस देना चाहिए। तो मैंने सबसे मिला है, जो कैंडिडेट्स थे मैं उनसे भी मिला हूँ बहुत लोगों से, और जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए मैं उनसे भी मैंने बात किया है। तो हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड किया, ये मेरा व्यू है, कि हम लोग एक नोटिस निकालेंगे जल्दी और एक महीने का समय देंगे जिनको भी, जो भी कैंडिडेट्स है जिनको लगता है कि उन्होंने क्वालिफाई किया और उनका नाम लिस्ट में नहीं था, वो अपने क्वेश्चन क्वेश्चन OMR लेकर ADC में आइए और अपना मार्कशीट को देखिए, कंपेयर कीजिए। अगर जेन्यूनली आप क्वालिफाई किए हैं और आपका नाम नहीं है तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। मैंने यही बात सबको कहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई जेन्यून लोग मिस आउट नहीं करें। तो मैंने ये बात कहा है और मैंने कहा है कि एक नोटिस निकलना चाहिए और अगले एक महीना, मुझे लगता है कि एक महीना काफ़ी है सबके लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो एक महीने के अंदर आप ADC में जाकर, CEO के ऑफिस में जाकर अपना मार्कशीट चेक कर सकते हैं और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ज़रूर रखा जाएगा और अगर जेन्यूनली आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैंने उस दिन ADC में दिल से बात किया, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट रास्ता है। जिन लोगों को मिला है वो भी ठीक है और जिन लोगों को नहीं मिला वो भी आकर चेक कर सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मार्कशीट में कुछ गलत चीज़ हुआ है तो उसको भी आप आकर राइटिंग में कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर कोई जेन्यून केस है तो उसमें हम लोग ज़रूर विचार करेंगे। ये मेरा व्यू है और ये मैंने ADC को कह दिया। आई थिंक दैट दिस इज़ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे ऑफ गोइंग अहेड। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को और एक चीज़ रिक्वेस्ट किया, बहुत लोग बोल रहे थे TPSC को दे देंगे, ADC का कंट्रोल चला जाएगा। मैंने ये नहीं, मेरा ये कहना है कि इंटरव्यू बोर्ड में अगर कोई गलत चीज़ नहीं हुआ तो इंटरव्यू बोर्ड में मुझे लगता है कि क्वालिफाइड ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज somebody from the ADC should be there to conduct the interview. बस in accordance with transparency, अगर सत्य को सामने लाना है तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां में
ऑनेस्ट पीपल गेट अ चांस, तो ये मैंने किया है। आई होप यू अप्रिशिएट कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सच में दिल से मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग सफर करें। तीसरा बात है, मैं आपको कुछ चीज कहना चाहता हूं। 2019 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि लॉ एग्जाम्स में, लॉ एंट्रेंस एग्जाम में हमको बंगाली कंपलसरी किया जाएगा। उसके बाद से 2019 से लेके अभी तक एक भी स्टूडेंट जो इंडिजिनस है आज तक लॉ में पास नहीं हुआ है। 5 साल हो गया है, एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, क्योंकि 100 मार्क बंगाली लैंग्वेज में दिया जा रहा था। हम लोग बंगाली के अगेंस्ट एकदम नहीं है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कॉक बॉरक प्रेफर करेंगे, कोई चाकमा प्रेफर करेगा, कोई रंगलोंग दारलोंग, उनको उनका लैंग्वेज अलग है, मीजो का लैंग्वेज अलग है। तो आई हैड रिक्वेस्टेड दैट टू द स्टेट गवर्नमेंट कि अपार्ट फ्रॉम बंगाली, लेट बंगाली रिमेन, बट देर शुड बी एन ऑप्शन ऑफ कॉक बॉरक और कॉकटी प्रासा, एंड फॉर दोज हु डू नॉट ऑल्सो नो कॉक बॉरक, who may be from another community, then for them an option of alternative English, जैसे कि मिजोरम में हो रहा है, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में हो रहा है। And I am glad to announce कि ये भी कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि अब हमारे इंडिजिनस बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन हैव एन ऑप्शन of appearing in a language that they are comfortable in, अपने ही भाषा में या कोई लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपीयर कर सकोगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन ये फाइनल अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि UPSC में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है, कंपिटेटिव एग्जाम में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है। आज एक छोटा सा जीत है, मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू ऑल। आर यू हैप्पी? ये बात मुझे विजय रामखोल ने कहा था, मिस्टर दारलोंग ने कहा था। मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को माना है। बेलाइनो हम्बाए, थैंक यू। ये हुआ है। कमिंग बैक टू आज का रैली, मुझे लगता है कि आज हमने अपना पावर दिखाया है। आज बहुत लोग इससे पहले मुझे मिसअंडरस्टैंड करते थे, उनको लगता था कि मैं चकमा के साथ नहीं हूँ, मैं मॉक के साथ नहीं हूँ, मैं बंगाली के खिलाफ हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूं, अपने टीप्रासा लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को भी बहुत प्यार करता हूं। लेकिन कुछ लोग थे जिसने मुझे विलन बना के रखा था, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जब भी नाइंसाफी हो, अगर हमारे मुसलमान को मारा जाएगा तो मैं मुसलमान के लिए खड़ा रहूंगा, अगर हमारे बुद्धिस्ट को मारा जाएगा मैं बुद्धिस्ट के संग खड़ा रहूंगा, अगर हमारे हिंदू बंगाली को मारा गया तो हम हिंदू बंगाली के संग खड़ा रहेंगे, और अगर हमारे बुद्धिस्ट को मारा गया या क्रिश्चियंस को मारा गया, टारगेट किया गया, तो हम चर्च के संग भी रहेंगे। ये देश को ना कुरान चला सकता है, ना कोई भगवद गीता चला सकता है, ये देश को कानून चलाता है, और वही चीज बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। और बांग्लादेश ने जो किया है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बीके रामखोल यूनाइटेड नेशंस गया है, उन्होंने बात रखा है, मेवार कुमार जमाते ने यूनाइटेड नेशन जाकर बात रखा, पताल कन्या गई है, मुझे भी जाना है, लेकिन मैं जाकर यूनाइटेड नेशन में अगर मुझे मौका दिया गया या ह्यूमन राइट्स कमीशन कहीं में भी इंटरनेशनली, मैं जाकर बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहता हूं कि कैसे उन्होंने हमारे मंदिरों को जलाया, हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को जलाया, हमारे चर्चेस को जलाया, उन्होंने कैसे हमारे महिला औरत लोगों को, बुरे लोगों को मारा है, टारगेट किया है, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया है, कैसे उन्होंने हमारे यूथ को जान से मारा है। जो देश खुद ही अपने राष्ट्रपिता बंगबंधु को स्टैचू को गिरा देता है, जो देश जिसका राष्ट्रगान कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है उसी के मुख में काला लगा देता है, वो देश
एक्चुअली अनग्रेटफुल है। जिस देश ने, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस देश को इंडिया ने बनाया और आज इंडिया के खिलाफ ये रोज जहर फूंकते हैं। ये देश जो अपने लोगों के बारे परवाह नहीं करता, बांग्लादेश के लोगों को समझना चाहिए, जो देश बना क्योंकि पाकिस्तान ने उनके खिलाफ अत्याचार किया, इसके लिए बांग्लादेश पैदा हुआ। और आज वही देश अपने वही सलूक कर रहा है अपने हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के साथ। मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं जानता हूं चट्टोग्राम हो, चिटगांव हो, कुमिल्ला हो, ब्राह्मणबाड़ी हो, नोआखाली हो, ये सब एक समय त्रिपुरा राज्य के अंदर था, महाराजा के अंदर था। और अगर इनको एक्सपोज करना है तो मैं जानता हूं, क्योंकि उस जमीन में हमने शासन किया है। इतने लोगों को मारा गया 1940 में नोआखाली राइड्स में, कुमिल्ला में, 50s में मारा गया, 60s में मारा गया, 70s में जब कप्ताई डैम हुआ तब हमारे लोगों को मारा गया। और ये चलते जा रहा है और ये कभी बंद नहीं होगा जब तक इंडिया डज नॉट एक्सपोज बांग्लादेश। मीडिया को भी मैं बोलना चाहता हूं, आप पैलेस्टाइन के बारे में बात करते हो, इसराइल में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हो, आप बात करते हो कि इसराइल यूक्रेन में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, हमारे पड़ोस में इतना खराब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और कोई बात नहीं कर रहा। क्यों डरते हैं हम लोग, क्यों डरते हैं? डरने का क्या बात है? अगर बांग्लादेश अपना हरकत से नहीं जाता है, एक लोगों, मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा क्या आप बात करते हैं इंडिया, हम नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, नॉर्थ ईस्ट हमारा है, सेवन सिस्टर्स हमारा है, आसाम हमारा है, त्रिपुरा हमारा है, मेघालय हमारा है, नॉर्थ ईस्ट हमारा, ये कह रहे लोग। इन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अपने हरकत से आप लोग अगर नहीं बदले ना, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको दिखाने के लिए कि आपका असली बाप कौन है। सो माइंड व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज वी आर वॉचिंग यू। मैं नहीं परवाह करता हूं कि इसके बाद मेरे ऊपर क्या होगा, लेकिन ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है। और वो जो आप जहां में बैठे और हमारे लोगों को धमकी दे रहे हैं, हमारे मंदिरों को जला रहे हैं, हमारे औरत लोगों को टारगेट कर रहे हैं, चर्चेज जला रहे हैं, बुद्धिस्ट को मार रहे हैं, वो भी हमारा जगह था। और एक दिन, ये बहुत लोग बोलते हैं ना, महाराजा ग्रेटर त्रिपुरान क्यों बोलता है, शायद मेरा ग्रेटर त्रिपुरान यही हो। लेकिन एक दिन हम लोग सब अगर एक हो गए ना त्रिपुरा में, तो बांग्लादेश का पसीना छोड़ देंगे हम लोग। टाइम इज कम फॉर अस टू ऑल्सो थिंक हु आर रियल एनिमीज आर। इट इज नॉट द मुस्लिम्स, इट इज डेफिनेटली नॉट द मुस्लिम्स, बट इट इज दोज पीपल हु हेट आर कंट्री, who hate our way of life, who target us because they are basically nothing but criminals, who have not been able to even respect Bangabandhu or Rabindranath Tagore, who gave them so much of love and affection. So, ये मेरा thinking है। अगर आपको लगता है गलती है, I'm sorry, लेकिन मैं अपना thinking को बदलूंगा नहीं। मैं again, I want to assure all the candidates from the who have gone through the ZDOs and sub-ZDO exam, I'm trying my best. And I will do my best to ensure that there is nothing wrong is done. I am trying my best, I urge you. I also want to tell this to those who haven't got, you have 1 month's time to come with your mark sheet and check out. Because you should be given a chance to. I want transparency. I'm trying my best. I also want to thank the cabinet for approving the inclusion of Kokborok and alternative English in the law exams, judicial exams. Now, our young boys and girls who are not comfortable in Bangla can appear in a language which they are comfortable in. I wanted to say all this to you. Iske liye main yahan Facebook Live mein aaya. Main aap sabko fir se thank you bolna chahta hoon. Bahut mushkil hai ye public life. इतना आसान नहीं है, मुझे लगता था आसान है। सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आदमी कोशिश कर रहा है और मैं भी जानता हूं कि मैक्सिमम लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। 2-3 लोग हैं जो फेसबुक में उल्टा सीधा लिखते हैं, मैंने ही उनको बनाया, लेकिन उनको
शायद वो लोग नेगेटिव लोग हैं, उनको आप इग्नोर कीजिए, उनके पास उनका दिल छोटा है, उनका सोच कम है, और वो अपना उनके हिम्मत तो है नहीं कि मुझे डायरेक्टली फाइट करे, तो फेसबुक में उल्टा सीधा लिखते हैं। उनको इग्नोर कीजिए और उसको आप अपनाइए जो आपको खुशी दे, आपको एक अच्छा कल दे। दैट इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन बॉटम ऑफ माई हार्ट टू ऑल, वेदर यू आर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट एनी वन, टू ऑल माई पीपल इन इंडिया इन बांग्लादेश, बेलाइनो हम बाय हर कहाम, धन्यवाद।